गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज पाली में तूफान के साथ जोरों से बारिश रात से चल रही है और अभी तक चल रही है। अभी हम उठे हैं तो ये देखिए इतना तेज बारिश हो रहा है। देखो पूरे मोहल्ले में पानी पानी हो गया है फ्रेंड्स। तूफान के साथ बारिश आ रही है रात से। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ घर के पीछे ही बहुत बड़ी फैक्ट्री है केमिकल की, तो जब भी बारिश होता है तो ये केमिकल का जो भी पानी होता है वो मोहल्ले में छोड़ देते हैं। ये देखिए पूरा काला पानी है। फ्रेंड्स, राहुल जी भी जस्ट अभी उठे हैं तो कह रहे हैं मैं थोड़ा बाहर घूम के आऊँ, अब ऐसी आंधी तूफान में उनको बाहर जाना है। देखते हो क्या करते हैं। वैसे देखिए आंधी तूफान के साथ बारिश आई तो इतना नुकसान हुआ, सारे इतने पेड़ पौधे। ये देखिए बगीचे की मिट्टी यहाँ तक आ गई। देखिए इतनी जोर से बारिश गिरती है, आपको बताऊं। ये तीसरी मंजिल का पानी कट यहाँ से आ रहा है। ये देखिए अंकल जी, क्या समस्या है, गंदे पानी से क्या हो रहा है? ये गंदे पानी भैया, पानी जब बरसात होती है तो फैक्ट्री वाले पानी छोड़ देता है। हाँ, ये गंदा पानी बहुत तकलीफ हो रही है। और ये बारिश बंद होने के बाद, ये बारिश बंद होने के बाद ही दो तीन घंटे चलता रहेगा। नहीं, फिर उससे बीमारियाँ पैदा होती है, बहुत मच्छर होते हैं। तो इसका कोई प्रमाण इलाज नहीं किया है? बारिश आती है, प्रमाण इलाज किया, बार बार शिकायत करते हैं रिको ऑफिस में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और कितना गंदा पानी है, ये तो जहरीला पानी है। बिल्कुल बिल्कुल जहरीला पानी। और ये देखिए यहाँ से निकलना ही मुश्किल है, ये रोड पूरी भर जाएगी अभी। और ये अंकल जी बंद किया है, देखो हॉल बंद भी नहीं हो रहा है। हॉल देखिए, और ये जो केमिकल का पानी जो छोड़ा जा रहा है फैक्ट्रियों का, देखो कितना गंदा पानी है, चारों तरफ गंदा पानी दिख रहा है। दूर तक ये देखिए, यहाँ तक देखिए, इधर भी देखिए। देखिए ये देखिए मेरा दोस्त आ रहा है, छोटा सा बिल्ला। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। गंदे पानी में कुत्ते भी हैरान हो रहे हैं। देखिए और ये छोटा सा बिल्ला है, आ जा। राहुल जी आ गए घूम के बाहर। अरे बाहर बहुत गंदा पानी हो गया है, चारों तरफ फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी आ रहा है वो मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, बहुत गंदा पानी आ रहा है और बहुत समस्या हो रही है गंदे पानी से। घरों में घुसा गंदा पानी का, हर साल ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। जब भी बारिश आती है तब ये सारा जो केमिकल वाला गंदा पानी होता है, काला पानी, वो है ना ऐसे मोहल्ले में छोड़ देते हैं और मोहल्ले वालों को दिक्कत होती है। सुबह से इतनी बारिश हो रही है, हम तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए। फिर थोड़ी देर सो गए थे, अब उठे हैं नींद लेके, और मौसम भी काफ़ी साफ हो गया है। देखिए बताते हैं, ये देखिए बारिश अभी बिल्कुल ही बंद हो चुकी है और कुछ देर के लिए फिर से बारिश आएगी। और फ्रेंड्स, एक और बात, कल दोपहर से ही लाइट नहीं है। दोपहर से कल आधी रात तक तो बस इन्वर्टर से काम चल गया था हमारा, पर अब तो इन्वर्टर ने भी जवाब दे दिया है, इन्वर्टर भी बंद हो चुका है। तो बिना लाइट के ना कुछ चार्जिंग हो पा रहा है और ना ही राउटर चल रहा है, नेट भी नहीं चल रहा है। और हमारा जो पर्सनल जियो का जो सिम वाला जो है ना नेट, वो भी नहीं चल रहा है। जियो का बिल्कुल यानी नेट ही नहीं चल रहा है। तो बिना लाइट नेट के हम लोग बैठे हैं, बोर हो गए सुबह से ही। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर, आपको ऊपर से नज़ारा दिखाती हूँ। जो मैंने आपको सुबह में मॉर्निंग में कहा था ना कि यहाँ पे खूब सारा पानी सब केमिकल का आ जाता है, तो अभी देखो सारा पानी तो नहीं है पर बहुत सारी गंदगी हो गई है बारिश बंद होने के बाद। और एक और बात, इतनी जोरों से आंधी तूफान आई फ्रेंड्स कि मुझे सारे कर्टन भी हटाने पड़े। ये एक ही निकाला है पर्पल वाला, बाकी मैंने ये वाले सारे कर्टन निकाल दिए, बिकॉज यहाँ से विंडो से होकर भी इतना पानी आ रहा था, पूरा हॉल पानी पानी हो गया, इतनी ज़ोर से आंधी तूफान आई। और सुबह से हम लोग बस
पानी ही पानी निकाल रहे थे हॉल से बाहर की ओर। ये देखिए, तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो चुका है तो सोचा बाहर की थोड़ी सैर की जाए। तो बस अब राहुल जी को रेडी कर दिया है तो हम लोग चलते हैं बाहर, पाली में क्या हाल है वो देखने के लिए। चलिए चलते हैं। बारिश तो ख़त्म हो चुकी है, मौसम बहुत साफ हो चुका है, तो मैं और राहुल जी मौसम का लुत्फ उठाने के लिए आ चुके हैं बाहर। कहाँ लेके जा रहे हो राहुल जी? देखो लॉन्ग टूर चलते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, लॉन्ग नहीं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना है, शॉर्ट ही चलेंगे। और ये देखिए कौन सी होटल है? श्री जी, हाँ श्री जी, नाम नहीं पता था। और ये शिव गोरी वाटिका, ये दोनों बड़ी होटलें हैं यहाँ पे हमारे घर के पास ही। SBI की ब्रांच ही यहाँ पर नहीं खुली है। और ये कितने घनघोर बादल हो चुके हैं अभी भी, और बारिश होगी है ना राहुल जी? तेज बारिश की अभी भी संभावना है पाली में, और खराब नहीं है, ऐसे पानी है। मंदिर है जो अभी बन रहा है, डेवलप हो रहा है अभी खाटू श्याम जी का मंदिर। ये आवाज गाइस, पाली का ये नज़ारा देखिए, आसमान कैसा दिखाई दे रहा है ऊपर से देखिए, पूरा आसमान बादल ही बादल हो रखे हैं। और हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी है और एक हाजरी है। आप बारिश होने का मौसम बहुत अच्छा हो गया ये देखिए। बोल रहे कि चलो बाईपास घूम के आते हैं, शॉर्ट ड्राइव की अब हो गई है लॉन्ग ड्राइव, तो अब हम जा रहे हैं बाईपास। बस थोड़ी सी दूरी पे आने वाला ही है बाईपास। बारिश का मस्त मौसम हो रहा है फिर से, और आएगी क्या, आपको क्या लगता है आएगी बारिश? बारिश आ सकती है ना, घनघोर बादल तो छा रखे है, और अब देखते क्या होगा। रात में हो सकती है, ये देखिए अब हम आ चुके हैं बाईपास। कितना पानी भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा बारिश हुई है यहाँ पे, फसल नष्ट हो गई, सब पानी पानी हो गया खेतों में। पाली का नजारा है, बाईपास, पाली बाईपास। यश रेस्टोरेंट, यश बाबा के नाम पे है ये। फ्रेंड्स, फ्लू खत्म हो गया है तो सोचा है ये पेट्रोल पंप आया है तो यहाँ से थोड़ा फिलअप कर ला लेते हैं पेट्रोल, फिर आगे चलते हैं। पेट्रोल फिल भी करा दिया है और चलते हैं घर, क्योंकि अब शाम भी हो
आ चुके हैं घर। तो फ्रेंड्स हम घूम के आ चुके हैं काजरी और लाइट है नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो दो दिन से लाइट तो है ही नहीं है, अंधेरा होने वाला है। तो मैं बाहर आके बात कर रही हूँ तो यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग है इसलिए बात हो पा रही है। तो अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भावना लाइफस्टाइल व्लॉग। बाय बाय।